हाय, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बहुत सारे नाम हैं। जय, जुई, चमेली, सयाली, कुंदा, मल्लिका, मोगरा और जैस्मिन। जितने सारे नाम हैं उससे कई ज़्यादा वैरायटीज हैं इसकी। आप अगर नर्सरी में भी जाते हो ना तो नर्सरी वाले भी पूछते हैं कौन सा मोगरा चाहिए, सिंगल पेटल चाहिए, डबल पेटल चाहिए। कुछ मोगरा की पत्तियां पतली होती हैं, कुछ की पत्तियां गोल होती हैं। चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, सबकी केयर एक ही तरीके से करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये प्लांट इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पहली चीज़ तो ये आपके घर में हरियाली लाता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके फूल इतने खूबसूरत मोती जैसे वाइट कलर के, इतने प्यारे लगते हैं, इतनी अच्छी खुशबू होती है और गजरा भी इन्हीं फूलों से बनता है। खुशबू की वजह से इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। इसके फूलों से इत्र बनता है, रूम फ्रेशनर बनते हैं, अगरबत्ती बनती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, हेयर ऑयल बनता है, क्रीम बनती है, बहुत कुछ बनता है। तो क्यों ना आप इस प्लांट को अपने घर पे ही ले आओ। बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है ये। थोड़ी चीजें हैं जो इसकी अलग हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मोगरा की केयर करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मोगरा फूलों से ना लत जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर वन, ये एक समर प्लांट है, मतलब गर्मियों वाला पौधा है। जहाँ पर ठंड नहीं पड़ती है वहाँ पर ये परमानेंट पूरे टाइम फ्लावरिंग करता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जैसे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर कुछ महीनों के लिए इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दो, ये फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका प्लांट नया है, आपने रिसेंटली लगाया है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत करता है। लेकिन अगर आपका प्लांट थोड़ा पुराना हो चुका है, जैसे मेरे मोगरा के प्लांट्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो ये सर्दियों में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करता है। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप जब भी इसको नर्सरी से खरीदने जाओगे तो ये ओके कंडीशन में मिलेगा। बहुत बेकार भी नहीं होगा कि बिल्कुल बेजान सा है, बहुत अच्छा भी नहीं होगा, दो चार फूल इसमें होंगे। लेकिन घर लाके अगर आप इसकी बहुत अच्छे से केयर करोगे तो ये सालों साल आपके साथ रहेगा, सारे मौसम रहेगा और सारे मौसम में फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हो, जैसे ये प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं की गई है, कभी खाद दे दी गई, कभी प्रूनिंग कर दी गई, तो भी ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। पॉइंट नंबर टू, इसके लिए गमला कैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल पेड़ जैसा नहीं बनता है। इसके लिए परफेक्ट है 12 इंच का गमला। एक मैंने 8 इंच की मिट्टी के गमले में लगाया था और एक मैंने 10 इंच के सीमेंट के गमले में लगाया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये एक्चुअली किस साइज के गमले में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ की, लेकिन कुछ टाइम में जो 8 इंच वाला प्लांट था वो थोड़ा सा स्ट्रेस शो करने लग गया और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया कि मुझे इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना ही पड़ा। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसको 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट करूंगी। इसकी रूट बहुत ज्यादा बाउंड हो गई है, ये निकल ही नहीं रहा है, काफी ज्यादा टाइट है। तो फाइनली ये गमला टूट गया है। और अब मैं इसको इसमें लगा रही हूँ। शिफ्ट करने के बाद थोड़ी सी कटिंग की है और कुछ ही दिनों में इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि इसको मीडियम साइज का पॉट चाहिए। आप इसको नर्सरी से लाके डायरेक्टली 12 इंच के पॉट में रख सकते हो और 12 इंच के पॉट में ये करीब 2 साल से है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी छोटी सी बैल्कनी है या आप कहीं भी इसको रखना चाहते हो, 12 इंच का पॉट सफिशियंट है। अगर आप बिगनर हो, आप मिट्टी के पॉट में ही लगाना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। इस
प्लांट की एक खासियत है, आप इसको बेल की तरह भी रख सकते हो और आप इसको नॉर्मल पौधे की तरह भी रख सकते हो। जैसे मेरा ये जैस्मिन है, आप देख रहे हो कहीं यहाँ से बढ़ रहा है, कहीं वहाँ से बढ़ रहा है। जैसे बोगनवेलिया होता है, अगर आप उसको छोड़ दो तो कहीं से भी बढ़ने लगता है। अगर आप चाहते हो कि ये बेल की तरह चढ़े, बहुत खूबसूरत लगता है, आप उसको सपोर्ट दे के रख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये बेल की तरह बढ़े, तो आप इसकी कटिंग कर दो, इसको शेप दे दो, तो नॉर्मल ये प्लांट की तरह हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मिट्टी थोड़ी टाइट होती है तो चल जाता है, लेकिन इसकी मिट्टी बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैं नॉर्मल पहले तो मिट्टी ले रही हूँ। और जितनी मिट्टी है उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा कंपोस्ट ले रही हूँ। बेस्ट होगा आप काउडंग कंपोस्ट लो या वर्मी कंपोस्ट लो। जितना कंपोस्ट है उसकी आधी बालू ले रही हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन सैंड है ये। जितनी बालू है लगभग उतना ही कोकोपीट ले रही हूँ, थोड़ी सी सरसों की खल, थोड़ी सी नीम की खल। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है या दालचीनी का पाउडर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सचर तैयार है जैस्मिन के लिए, यानी कि मोगरा के लिए। मैं मोस्टली अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जितनी मिट्टी ली है उसका आधा कॉम्पोस्ट लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने जितनी मिट्टी ली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पोस्ट रखा है, और इसीलिए सैंड भी ज़्यादा हो गई है और कोकोपीट भी ज़्यादा हो गई। उसका रीज़न ये है कि कॉम्पोस्ट और बालू मिट्टी को भुरभुरी रखते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस प्लांट को पूरे साल फ्लावरिंग करनी है और भर भर के फूल आएंगे, खूब सारी ब्रांचेज होने वाली हैं, और अगर न्यूट्रिशन की कमी हुई तो पत्तियां भी फेड होने लगती हैं, फूलों में खुशबू नहीं आती है, फूल खिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाई है। पॉइंट नंबर 4, लोकेशन, आपको इसे कहाँ रखना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है, खुशबू अच्छी है इसलिए आप इसको अपने बेडरूम में या घर के अंदर नहीं रख लोगे। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है, धूप चाहिए, बाहर की हवा चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको तेज़ धूप नहीं पसंद है। कुछ पौधों को तेज़ धूप अच्छी लगती है, जैसे गुड़हल है, नींबू है, बोगनवेलिया है, लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप नहीं पसंद है। आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर या तो सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की जाती हुई धूप आती हो। जैसे मेरा ये प्लांट है, इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक धूप पड़ती है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ग्रीन नेट डाल दी है। अगर आपने भी इसको कहीं ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है तो आप ग्रीन नेट लगा दो, या आप इसको किसी प्लांट के थोड़े से पीछे रखो जिससे इसके ऊपर छन के धूप पड़े। धूप 3 घंटे की ज़रूरी है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इसको पानी कैसे देना है। इसकी मिट्टी में हमेशा नमी यानी कि मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी मिट्टी हम थोड़ी सी सुखा देते हैं उसके बाद पानी देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। जब मुझे लगता है कि अब इसकी मिट्टी सूखने वाली है, मैं इसमें पानी दे देती हूँ और बहुत अच्छे से देती हूँ। एक बार देती हूँ, दो बार देती हूँ, तब तक देती रहती हूँ जब तक नीचे तक की मिट्टी गीली ना हो जाए और होल से पानी निकल ना जाए। पॉइंट नंबर 6 है प्रूनिंग, कटाई छटाई। इस प्लांट की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने किसी और प्लांट में इतनी कटाई नहीं करती हूँ जितनी मैं इसमें करती हूँ, और तभी इसमें भर भर के फूल आते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका प्लांट सर्दियों में स्ट्रेस में गया था, इसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो आपको मौसम चेंज होते ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। हार्ड प्रूनिंग पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देखने के बाद ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करिएगा। कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद कौन सी खाद देनी, कहाँ रखना है, सब कुछ। तो आपने उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है और कुछ दिनों में ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़, इस प्लांट की एक खासियत है, आप इसकी ये ब्रांच देखो। मेजॉरिटी केसेस में मैंने यही देखा है कि इसकी जो कलियाँ हैं वो टिप पर ही खिलते हैं। तो ये कली खिल गई, फूल बन गया, अब क्या, अब इसमें दोबारा फूल नहीं बनेगा, तो हमें इसको कट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, दो नई शाखाएं निकल आई, दो नई ब्रांचेस आ गई और इन ब्रांचेस में फिर से कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो आपको भी यही करना है,
जैसे ही फूल खिल जाए आप उस शाखा को काट दो। मैं बाकी प्लांट्स पे तो महीने में एक बार कटिंग करती हूँ, लेकिन हर हफ्ते मैं इस प्लांट को स्टैंड से उतारती हूँ और इसकी कटिंग करती हूँ। अगर आपने प्लांट में कटिंग नहीं की है, एक या दो ब्रांचेस हैं तो उसमें 3 या 4 फूल ही आएंगे। अगर आपने कटिंग की है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो बहुत सारे फूल आएंगे। इतनी ज़्यादा प्रूनिंग करने के कई फायदे हैं। पहली चीज़ ये है कि इसमें शेप मेंटेन रहेगा, वरना ये कहीं भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप इसकी इतनी कटिंग करोगे तो आपकी नज़र रहेगी, प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये घना होगा, और चौथी चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। पॉइंट नंबर 7 है फर्टिलाइजर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसको समझना। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ डल हो रही हैं, फेडेड हो रही हैं, शाइन नहीं है, थोड़ी थोड़ी कर्ल हो रही है, प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, वो इतने टाइम से वैसे का वैसे ही है, या मुरझा रहा है, ख़राब हो रहा है, कलियाँ नहीं बन रही है, जंगली हो गया है पौधा, फूल ही नहीं आ रहे हैं, कलियाँ बन भी रही हैं तो फूल नहीं खिल रहे हैं, फूल आ भी रहे हैं तो फूलों में खुशबू नहीं आ रही है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है। प्लांट्स को कुछ 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और मोगरा की हम इतनी कटिंग कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो नई नई ब्रांचेस निकालें, खूब घना हो, पत्तियाँ भी बहुत अच्छी हों, फूल भी बहुत सारे हों और खुशबू वाले हों, तो आपको इसकी खुराक बढ़ानी होगी और उसकी खुराक अच्छी रखनी होगी। इस प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, यानी कि सरसों की खल की खाद। जब ये प्लांट नया नया आपके घर पे आता है तो ये उतना मैच्योर नहीं होता है, उतना हेल्दी नहीं होता है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको मजबूत बनाते हैं, इसको हेल्दी बनाते हैं, और उसके बाद ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। तो जब ये ग्रोइंग स्टेज में होता है तो हमें इसको हर महीने मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारे एरिया में, जैसे मई जून जुलाई, 3 महीने में रोक देती हूँ, जैसे मैंने इस बार गर्मी में इसको नीम केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया। अगर आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं, कभी चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, आप काउडंग कंपोस्ट टी दे सकते हैं, आप किचन कंपोस्ट टी दे सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझना है, ये जितने भी फर्टिलाइजर्स मैं महीने में एक बार दे रही हूँ, जैसे मस्टर्ड केक दे रही हूँ, काउडंग दे रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेश, दैट इज़ NPK की क्वान्टिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे उतने नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाए। इसी की वजह से प्लांट की पत्तियां थोड़ी सी डल दिखने लगती हैं, या इसके फूलों में खुशबू नहीं होती है, या उतनी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 2 महीने में एक बार मैं इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देती हूँ। ये फेरोमोन का माइक्रोन्यूट्रिएंट है मेरे पास, इसकी स्टिक भी आती है, आप स्टिक भी मिट्टी में गाड़ सकते हो, लेकिन मुझे लिक्विड वाला मोगरा के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अप्रॉक्स 1 लीटर पानी है ये, इसमें 3 ml माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और प्लांट की पत्तियों में अच्छे से स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने से मेरी लीव्स में बहुत शाइन रहती है, और इसका इस्तेमाल आप इवनिंग में ही करना, और जितना ये लिक्विड बचा है मैं इसकी मिट्टी में दे देती हूँ, आप इसको अपने किसी भी प्लांट में दे सकते। तो ये तो हो गया जब ये प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है। अब अगर ये फ्लावरिंग करने वाला है, हल्की हल्की आपको कलियाँ दिख रही हैं, आपको पता है कि अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसमें फर्टिलाइजर्स की डोज बढ़ा देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट तो 2 महीने में एक बार दे रही हूँ, महीने में एक बार मस्टर्ड केक या काउडंग जो भी है वो मैं दे रही हूँ, इसके अलावा महीने में एक बार मैं या तो अनियन पील दे देती हूँ इसमें, या मैं बनाना पील दे देती हूँ। जैसे सपोज करिए 1 फरवरी को मैंने मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर दिया, 15 को मैंने अनियन पील दिया, फिर 1 को मैंने मस्टर्ड केक दिया, 15 को मैंने बनाना पील दिया,
इस तरीके से हर 15-15 दिन में मैं इसको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, हम एक तरफ से कटिंग करते जा रहे हैं तो उसी तरफ से इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है, तो इस प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मिनरल्स की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसको फर्टिलाइजर दोगे तो उसको स्ट्रॉन्ग मत दीजिएगा। मतलब ऐसा मत करिएगा कि मुझे महीने में 3 बार देना पड़ता है, 1 को देती हूँ, 15 को देती हूँ, 30 को देती हूँ, तो इससे बेटर मैं काम ही खत्म कर देती हूँ, एक को ही पूरा भर के डाल देते। ऐसा नहीं करना है। चाहे आप मस्टर्ड क्विक दो, चाहे आप अनियन पील दो, चाहे आप बनाना पील दो, चाहे आप काउडंग कंपोस्टी दो, आपको हर चीज को खूब सारे पानी में घोल के ही देना है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर दिया तो ये प्लांट झुलस जाएगा, खराब हो जाएगा। फर्टिलाइजर देना है मगर खूब सारा पानी मिलाने के। तो आज मैंने आपको बताया कि मोगरा के प्लांट की केयर कैसे करते हैं, ये पार्ट वन था। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कुछ डिजीजेज आ रही हैं, या कीड़े लग रहे हैं, या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो क्या करना है जिससे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। और थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मोगरा को कटिंग से कैसे लगाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इसको अपने घर में कहीं भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। जैसे मैंने बताया है वैसे आप करना, आपका प्लांट बहुत अच्छा होगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इसको जितनी बार देखोगे उतनी बार वॉइस ऑफ प्लांट को याद करोगे और खुश हो जाओगे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर करिएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।